तो आज कर रही हूँ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पिछली क्लास में क्या क्या था? सिंपल प्रिपरेशन थी जिसमें हमने एल्काइलहैलाइड की बात की थी, ठीक है, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स की बात की थी, उसके बाद हमने एल्काइन से एल्कीन बनाई थी और एल्कोहल से डिहाइड्रेशन कर दी थी, एल्कीन रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाते हैं? होता क्या है, इथेन बनाते हैं बेसिकली बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। याद रखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल हम क्या प्रिपेयर करेंगे? इथीन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक मिक्सचर लिया जाएगा इथाइल एल्कोहल का और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वही सेम जो हम एल्कोहल की पिछली क्लास में पढ़े, वही सेम चीज है। पर उसमें रेशियो क्या रखेंगे, वॉल्यूम रेशियो बाय वॉल्यूम देख लो, रेशियो बाय वॉल्यूम कैसे रखूंगे? मेरे पास इथाइल अल्कोहल होगा, इथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, एस्टर सपोज, ठीक है। ये चीज लेंगे बाय द रेशियो ऑफ 1:2, इसकी अमाउंट कम होगी, इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, और इसको ड्रॉपिंग फनल की हेल्प से करेंगे। क्या होगा, मेरे पास कोई भी राउंड बॉटम फ्लास्क होगी, उसके साथ मैं ड्रॉपिंग फॉर्मर को अटैच कर दूंगी और इस तरह से मेरे पास वो करेगा। और छोटे से अमाउंट में मैं अमोनियम सल्फेट भी यूज करूंगी, अमोनियम सल्फेट भी इसमें यूज होगा। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा सारा। ये मेरे पास क्या राउंड बॉटम फ्लास्क है इस तरह से, और यहाँ पर मेरे पास है इस तरह से ड्रॉपिंग फनल। तो कि अच्छा इसको थोड़ा कैसे बना लो, रुको, जैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है आपको पता ही है, मेरे अंदर आर्टिस्टिक वैल्यूज बहुत कम है। और इसके अलावा यहाँ पर एक डिलीवरी पाइप होगी, डिलीवरी ट्यूब भी कह सकते हो, ठीक है, इसको अच्छे से बंद कर दिया हमने, डिलीवरी ट्यूब लग जा रही है। ये मेरे पास ड्रॉपिंग फनल है, इसके अंदर क्या मेरे पास इथाइल एल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड है, CH3 CH2 OH और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है बाय द वॉल्यूम ऑफ 1:2, ये इसके अंदर है और ये जा रहा है नीचे इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैंने नीचे से हीट कर दी, तो अच्छा मैं वो पूरा पूरा जो एक डिश बनाई होती है ट्राईपॉड पर, वो सारा कुछ नहीं बनाती, ये जो है इसके अंदर सिर्फ ये तो है नहीं, ये तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल देते, इसके अंदर मतलब कुछ और है। इसके अंदर है एल्युमिनियम सल्फेट SO4 ट्राइ अलोंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये अलग पड़ा है, ये मिक्सचर, ये वाले जो सब्सटेंस है, ये जो सारा इसके अंदर बनेगा हीट अप होके, ये सारा का सारा जा रहा है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। यहाँ पर मरकर कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है, यहाँ पर कोई ना कोई एसिडिक कंपाउंड यहाँ पर बन रहेगा, तो हमने क्या थोड़ा सा सही करके बनाया। तो यहाँ पर है इस तरफ मेरे पास होगा इस तरह से, ये है मेरे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, भाई टॉलरेट कर लेगा ड्राइंग को मेरी, तो ये इसके अंदर जा रहा है सारा का सारा सोल्यूशन, वैसे ही इसके अंदर जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए वो हो क्या रहा है, मैं बताती हूँ क्या हो। मेरे पास एक गैस ऑब्टेन हुई है जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, दैट इम्प्योरिटीज इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज किया था, उसकी रिडक्शन होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज, आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर ऐड है जो कि इथाइल अल्कोहल से बने, इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसके अंदर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है वॉश बोतल, इसको हम क्या नाम दे रही है, वॉश बोतल, ये वॉश बोतल है, इसके अंदर से पास होगा, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर ना कुछ रिएक्शन होगी, जैसे इसके अंदर ये बना हीटअप हुआ SO2 और CO2 की गैसेस आ रही शुरू हो गई, तो जो SO2 है, अच्छा इसके रिएक्शन करके दिखाती हूँ, मेरे पास जो SO2 आया यहाँ पे कर रही हूँ,
यहाँ पर मेरे पास मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, करेगा K2SO3 बना लेगा और वाटर कर देगा, तो इंप्योरिटीज को हम हटा रहे हैं। इसके अलावा CO2 है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अगेन इसके अंदर से पास होके जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K2CO3+H2O, यहाँ पर भी H2O आना था, मैंने कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आ गया, तो जो प्योर गैस है ये कलेक्ट हो जाएगी ओवर वाटर, यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकल गए, प्योर गैस से ही बाहर निकल गए, तो जो यहाँ पर याद रखना, हमने ये गैसेस फॉर्म में बनाना, गैसेस फॉर्म में मेरे पास ये बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पर कलेक्टिंग बॉटल है मेरे पास, ठीक है, और ये इसके अंदर जाएगी ऐसे, तो जो ये तीन गैस है ना, जिन गैस है बबल्स बन के यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, सारी की सारी यहाँ पर क्या होगी, इथीन या कह दो इथाइलीन गैस है मेरे पास, तो यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट जो हमने यूज किया है ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ठीक है, हो सकता है देयर आर चांसेस, ये अगर फ्रोथिंग हो रही है मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर फ्रोथिंग हो रही है तो मैं यहाँ पे सैंड भी ऐड कर सकती हूँ ताकि वो फ्रोथिंग ना हो पाए, तो मेरा चांसेस कि इसको मतलब इसके अंदर ही डालूंगी, इसको सैंड बाथ के ऊपर रखूंगी, इसके ऊपर नीचे के सैंड बाथ होगा, सैंड बाथ इसके ऊपर इसको हीट करूंगी ताकि फ्रोथिंग ना हो पाए, और इससे धीरे धीरे करके मेरे पास इथाइलिन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर होगा ताकि अगर कोई और इम्प्योरिटी है वो पानी के अंदर मिल जाए, मेरे पास ऊपर के इथीन गैस है इथाइलिन गैस अलग से निकल जाए। ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ये तो फर्स्ट मेथड है, ये है फर्स्ट मेथड जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की है, जो कि एसिडिक डिहाइड्रेशन, कौन सी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की है। इसके अलावा रिमेम्बर जब हम अल्केन्स पढ़ रहे थे, जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ रहे थे तब हमने एक रिएक्शन की थी, क्या थी, कोल्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस की थी ना हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस किसने की थी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ गए थे हमारे पास, याद करो, कोल्स, कोल्स वर्ड तो आपने पढ़ा हुआ है, एक और रिएक्शन की थी, याद करो, वर्ड रिएक्शन, खैर वो हम इस पे नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैं बता रही हूँ, एक हमने रिएक्शन की थी वर्ड रिएक्शन, एक की थी हमने कोरेहाउस रिएक्शन, ये रिएक्शन याद रखनी है, भूलनी नहीं है, अगर भूले ना देख लेना, अभी देख रहे हो, अब क्या देख लोगे, मैं डांटूंगी और क्या करोगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, सेकंड पार्ट करें इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, सिर्फ पोटेशियम फॉर्म में लेना है हमें, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, यानी कि मेरे पास कोई भी डाइकार्बोनिक एसिड एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है, दैट इज CH2COOK, ऐसे किया, और यहाँ पर भी CH2COOK, अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, जैसे यहाँ पर वाटर तो हो गई नो डाउट, और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, याद करने का बढ़िया तरीका, ये तो मेरे पास बहुत बढ़िया इथीन बन रहा है, पहले तो इथीन बना लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बना लो, इससे इन ये भी अलग हो रहा है, इससे ये भी अलग हो रहा है, कार्बन से तो अपना अपना बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना देते, ये भी CO2 बन रहा है, ये भी CO2 बन रहा है, दो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गए, चलो जी अब बचा पोटाशियम दो और वाटर, अब जो पोटाशियम है ये के पॉजिटिव बन गया था कोल्स रिएक्शन में, याद करो इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, तो के पॉजिटिव जो है यूज नहीं हो पा रहा था, तो एच पॉजिटिव हमने हमारे पास किसके ऊपर चला गया था, कैथोड के ऊपर, तो पीछे क्या बच गया था OH, तो के और OH आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों कैथोड एनोड पे नहीं जा पाए थे, तो KOH अलग हो गया था, याद करो, याद करो KOH अलग हो गया, तो पीछे क्या बच गया था H2,
ये वाला H2। कुछ याद आया? भूल गए? करके दिखाती हूँ, रुको। सारी की सारी कैथोड एनोड से करके दिखाती हूँ। इससे मतलब बेसिकली हम इससे भी इथीन बना सकते हैं, इथीन या इथाइलिन बना सकते हैं, जो हमने एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में पढ़ा था, जिसमें हम इथीन बना रहे थे, उसी को हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में यूज कर दिया है। ये चीज हुई है। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमारी आधी प्रिपरेशन, आधी रिएक्शन तो उसी में से निकल के आती है। तो हुआ क्या है, मेरे पास था CH2 COO के, तो यहाँ पर भी था CH2 COO के। अब जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इसके अंदर क्या होनी शुरू हो जाएगी, आयनाइजेशन। क्या शुरू हो जाएगी? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आयन अलग अलग होने शुरू होते हैं। आयन कैसे कैसे अलग होंगे? एक तो होगा ये CH2, CH2, यहाँ पर CO1 नेगेटिव, यहाँ पर CO1 नेगेटिव, पोटेशियम अलग निकल गया, पोटेशियम अलग निकल गया। एक तो ये होगा, वाटर भी तो ऐड किया, वाटर का क्या होगा? वाटर की भी आयनाइजेशन हो जाएगी। वाटर के बीच में से मैंने बिजली की तारें डाल के, कैथोड एनोड डाल के, उसका क्या कर दिया मैंने, आयनाइजेशन कर दिया। अभी ये इक्विलिब्रियम है, यानी कि वापस से इसी फॉर्म में आ सकता है। क्या होगा? एक तो मेरे पास H पॉजिटिव के आयन्स अलग निकल जाएंगे, एक मेरे पास OH नेगेटिव के आयन्स अलग निकल जाएंगे। तो एनोड पे क्या होगा? ये होता है, ये लो, एक इसमें से एनोड है, एक इसमें से कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। चलो मान लो एनोड पे सारे नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, एनोड पॉजिटिव होती है। जब भी हम रॉड की बात करते हैं, देखो कैटायन एनायन में क्या करती है, कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज है ना, ये चीज तो हम पढ़ते हैं। लेकिन जब भी रॉड की बात आती है, कैथोड और एनोड की, तब साइन उल्टा हो जाता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज रॉड होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज रॉड होती है। ये याद रखो, ये फर्क है एनायन के टाइम और एनोड के थोड़ में। एनोड के थोड़ में साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो इसके ऊपर सारे नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे, कैथोड के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आएंगे। तो एट एनोड मेरे पास क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास आ गया CH2 COO1 नेगेटिव, CH2 COO1 नेगेटिव। देखो ये अगर अपना बॉन्ड छोड़ के, ये कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, COO नेगेटिव कहता, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ना, मैं तुमसे अभी रिश्ता तोड़ के चला जाऊं, अच्छा खासा स्टेबल था, तुमने बिजली का करंट पास करवाने के लिए हाँ कर दी और मेरी ये हालत हो गई, मैं कटायन बन के रह गया। कटायन नहीं है, सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कटायन नहीं है ये, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तब कहते। तो ये इसको धमकी देने लग गया, तो ये CH2 कहता, इतनी बात है, मैं तेरे लिए दो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करता हूँ, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए। जैसे तो इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे अपना वादा निभा दिया, इससे रिश्ता तोड़ के चला गया, मैं जा रहा हूँ। फिर जब रिश्ता तोड़ के गया है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया अपना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से आपस में, इन्होंने कार्बन ने आपस में शेयर कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर, ये हाइड्रोजन के नहीं है, मेरे मत कह देना कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर एक रह गया, इसके ऊपर एक रह गया, फ्री रेडिकल कह सकते हैं, फ्री रेडिकल रह गया। तो ये कहते हैं कि क्या करें हम इस रिलेटेड, क्योंकि और से रिएक्शन का देखे, वो भी हमें धोखा देके चला जाएगा। हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, गहरा रिश्ता कर लेते हैं, पहले तो एक ही बॉन्ड से एक और बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बन गए। ये कहानी है इनकी एनोड पे। चलो तो एनोड पे ये चीज होगी, एनोड पे मसला हल हो गया। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे ये हुआ कि 2H पॉजिटिव कहता कि या मैं क्या करूं, ये के पॉजिटिव मेरे ओएच नेगेटिव के पीछे पड़े है, ये के पॉजिटिव मेरे ओएच नेगेटिव के पीछे पड़े है, और ओएच नेगेटिव भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ भी रिश्ता जोड़ना, तुम तो थोड़ा सा बिजली का झटका लगता है, अलग अलग हो जाते हैं। ओएच नेगेटिव कहता है एच पॉजिटिव से, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, जब भी बिजली का झटका लगता है तुम अलग अलग हो जाते हो, के पॉजिटिव मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ बॉन्ड बना देता हूँ। ये चीज हुई।
ये ना इसके घोड़ पे होती है ना ही अनोड़ पे होती है, ये पानी के अंदर होती है। तो एच पॉजिटिव कहता है कि ये पानी में इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मैं उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपनी एच टू गैस का बना लो, एच टू गैस बाहर निकल जाएगी, कैसे पता चलेगा? मैच से कि जलाओ ये कैंडल जलाओ, पॉपिंग साउंड आएगा एच हाइड्रोजन का, वो बर्न हो जाएगी पॉपिंग साउंड क्रिएट करके। ठीक है, उससे पता चल जाएगी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मान लो कि हाइड्रोजन ना होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, तो अगर हम ऊपर मोमबत्ती जलाते ना कार्बन, वो मोमबत्ती बुझ जाती, माचिस जलाते रिएक्शन के ऊपर, यहाँ पर माचिस जलाती माचिस बुझ जाती, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बुझाती है, इसलिए तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाता कि कौन सी गैस कैसे, जब हम उसकी प्रॉपर्टीज को का पता होंगे। ठीक है, तो ये चीज हुई है। तो ये सारी के सारी क्या है मेरे पास, फॉल्स रिएक्शन। क्या है ये फॉल्स रिएक्शन? जब भी रिएक्शन याद ना हो, रिश्ते जोड़ने तोड़ने की कहानियां बनानी शुरू कर दो, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें जल्दी याद रहती है ना, ऐसी कहानियां जल्दी याद रहती हैं। तो ये हाँ ये चीज याद रखो, ना ना कैथोड, एनए को आप सोडियम मान लोगे, ये जो है ना कैथोड पे होती है ना ही एनोड पे। ठीक है, ना कैथोड पे ना एनोड पे, ये वाटर के अंदर ही हो रही है, ये चीज कैथोड पे हो रही है, ये चीज एनोड पे हो रही है, बस इतना ही याद रखना। क्लियर, ये आपकी होगी अब लेबोरेटरी सेपरेशन ऑफ एल्कीन। अब ना प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ने से पहले चलो एक दो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं उसके। डाइपोल मोमेंट नहीं करेंगे अभी, डाइपोल मोमेंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उसके उससे पहले मैंने आपको एक दो चीजें क्लियर करवा दी। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, दो तीन बातें कर रहे हैं, कर लेते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, नेचर कैसा है, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये दो तीन चीजें पढ़ के अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगी आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट क्या बोलते हैं, स्टेट कैसे, स्टेट एंड स्मेल, स्टेट एंड स्मेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इफ यू रिमेम्बर, मैंने जब हाइड्रोकार्बन से आपको शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि जो शुरुआत के एलिमेंट्स होते हैं जो लेस बल्की होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं ना, तो मैं कहता था फर्स्ट थ्री एल्कीन, फर्स्ट थ्री एल्कीन फिर पास गैसेस फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट थ्री में मिथेन आता है, मिथेन का मिथेन होता है तो नहीं, तो इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ये मेरे पास गैसेस फॉर्म में आएंगे। उसके बाद वाला 5 to 18, अभी कुछ मिलता जुलता लिख लग रहा है, हमने में ये चीज पढ़ी थी है ना, 5 to 18 कार्बन वाले जो अल्केन्स होंगे वो कौन सी फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उससे हायर 18 से हायर, 19 से हायर ही कह दो, 19 to हायर कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो मैंने इथीन लिखा है ये कलरलेस है, जब ये बनेगा ना तो ये पता नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा, जब पहली बार हमने रिएक्शन की थी फिजिकली प्रिपरेशन की थी उसमें उसके बबल्स बन रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बबल्स बन रहे थे, बट एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यही इथीन है। ठीक है, इथीन एक कलरलेस गैस है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से फर्क क्या है, पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से लगे, इसकी पेंट से स्वीट स्मेल होती है, पेंट स्वीट स्मेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल होती है। हर वक्त तो हम नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हर वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हमारे आसपास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ है, तो मैं कभी स्मेल लाई थी कार्बन डाइऑक्साइड की कि हाँ मेरे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, बड़ी पंजर स्मेल से निकल गई, है ना, तो इसकी स्मेल होती है एल्कीन की। ठीक है, और जो बाकी के एल्कीन है वो भी कलरलेस होते हैं, बट ये वाले जो एल्कीन है ये भी कलरलेस तो है, ये भी कलरलेस तो है, बट दीज आर ऑल्सो ऑर्डरलेस, इनका कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, बट सिर्फ ही थीम की थोड़ी सी स्मेल हमें देखने को मिली अभी तक, कि वो पेंट स्वीट स्मेल भी आ जाती है। फिर देखते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट से मेरे पास क्या आ रहा है कि जनरली जो अल्केन्स है उनके हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स। ये याद रखो, अल्केन्स है, अल्केन्स है हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू, एज कम्पेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे कि इथेन का इथेन से, प्रोपेन का प्रोपेन से, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिली है। कारण क्या है, कारण क्या है? बिकॉज ऑफ, देख लो, बिकॉज ऑफ एडिशनल फाइबर। अल्केन में कोई पाई बॉन्ड होते नहीं, अकेला सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर के पाई बॉन्ड होते हैं। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, इसको ज्यादा पोलराइज कर देता है। क्यों? पाई बॉन्ड ज्यादा पोलराइजेबल है। पाई बॉन्ड क्या है? मोर पोलराइजेबल, मोर पोलराइजेबल देन सिग्मा बॉन्ड। इस कारण क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है अल्केन का। ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अल्केन्स के एज कम्पेयर टू अल्केन, जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है अल्केन बढ़ी जाता है। इसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों केस में कहेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट के ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स के, अल्केन्स के। अब देखिए जनरली जो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, लिख लो ये भी बात, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीज। ठीक है, तो इस कारण ये यूजली की रेगुलर ग्रेडिएशन शो नहीं करते, जैसे हमने ये चीज अल्केन्स में बात की थी, कभी ऑल्टरनेट भी आ जाता है, कभी किसी का कम हो जाता है, ऑड का कम होता है, इवन का ज्यादा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली चीजें देखने को मिलती है। तो मेरे पास क्या है, जो आइसोमेरिकल केन्स होती है, आइसोमेरिकल केन्स का मतलब वो केन्स जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच थ्री, पढ़ा था ना हमने प्रिपरेशन में, कौन सा ये सिस ड्यू टू है, क्या है ये सिस ड्यू टू। दूसरा क्या था, ट्रांसफॉर्म में यहाँ सी एच थ्री तो यहाँ सी एच थ्री, यहाँ एच तो यहाँ एच, ये क्या ट्रांसड्यूसर, पढ़ा था ना ये सेपरेशन ऑफ अल्किन से। तो ये तो फॉर्म्स आती हैं। जो ट्रांस वाला है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिस वाले। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है ट्रांस अल्किन का ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। सीधी सी बात है, जो मॉलिक्यूल है ट्रांसल्यूटेन का ये क्या है, सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल है एज कम्पेयर टू सिस। देखने में आपको लगेगा कि हाँ जी सेम सेम पड़ेगी, ये ज्यादा सिमेट्रिकल होना चाहिए, बट नहीं, ट्रांस वाला जो है ज्यादा सिमेट्रिकल होता है सिस वाले से। तो वो ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं इन द क्रिस्टलोग्राफी, और ये वाले कम क्लोजली पैक। ठीक है, लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, लेस क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस आगे पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, ये मोर क्लोजली पैक्ड होगा, मोर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस। होता क्या है कि जो भी मेरे पास इस तरह से कंपाउंड है, मान लेते ये आपस में ज्यादा करीब करीब पड़े होंगे, ये वाले थोड़े से गैप पे पड़े होंगे, जब ये ज्यादा करीब पड़े होंगे इस तरह से, ज्यादा करीब है ट्रांस वाले, तो इनको अलग करना, इनको बॉइल करना, इनको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू सिस्टम। ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही है इसमें। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ मेल्टिंग के लिए याद रहे, मेल्टिंग के लिए, बॉइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बॉइलिंग भी सिस्टम बढ़ जाता है ट्रांस से, ये थोड़ा सा याद, थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं फर्क होता, थोड़ा सा ही होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट रखो, बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा एक चेंज था वो बताना था, वो बाद में बताऊंगी अगली क्लास में। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी तो ब्रेक क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, और इनको थोड़ा सा सॉलिड से, यू कैन से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से थोड़ा सा पतला करने में,
जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हल्की ट्रांस के ऊपर ज्यादा लगती है एनर्जी एज कम्पेयर टू फिस्ट वाले से, फिस्ट थोड़ा इजिली मेल्ट हो जाता है। ट्रांस हल्की है, याद रखो ट्रांस हल्की नहीं, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ट्रांस अल्केन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन देन दिस अल्केन। ये किसमें होते हैं? आइसोमर्स में। किसमें होते हैं? आइसोमर्स में। ये दोनों क्या है आपस में, क्या है ये आइसोमर? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक सिमिट्री में चेंज आ गया। ठीक है, सिमेट्री में चेंज आ रहा है और किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? तो आज हम इतना ही करते हैं, आने वाले क्लासेस में बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्केन्स के आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट तो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जैसे ये हो जाएगा आने वाली क्लासेस में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक आएगी आपके पास एडिशन रिएक्शन, विच विल इंक्लूड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्केन्स। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है अल्केन्स की, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में, क्योंकि इतना कुछ आ जाता है कि कोई चीज छोड़ने वाली नहीं होती, तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन ही दे। ठीक है, और एजर्शन रीजन के स्टडी में भी इसके काफी अच्छे से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो अभी जितना किया है पहले तुम उसको अच्छे से रिवाइज करो, रिएक्शन को लिख लिख के देखो 2-3 बार, ताकि रिएक्शन सारी क्लियर हो जाए। जैसे कौन सी रिएक्शन है ये 2-3 बार अभी आएगी आगे में, तो इसको अच्छे से स्टडी करो। क्लियर? चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं, यू टुमोरो।